जाना है। वो इंश्योरेंस वाला वो इंश्योरेंस वाला लेटर तूने ही मेरे पास भिजवाया है ना? और मुझ पर जानलेवा हमला भी तूने ही किया था। लगता है तू मेरी पुरानी मार भूल चुका है ना? हाँ? क्यों? देखिए मैं आपके लिए क्या लाया, आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज। सब इंस्पेक्टर सूर्यकांत। सूर्यकांत कुछ याद आया? मैं जान दे रहा हूं, तुम हमेशा पूछती थी ना मेरे पीठ पे वो निशान क्या है, क्यों चौंक के उठता हूं मैं नींद से। तुम्हारी नाराजगी की वजह, सुनो, उस रात मैं और शहर छोड़ना होगा, प्लीज। गोवर्धन, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर की इज्जत संजना बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आ जाएगी, और उस लड़के के ऊपर तो हम ऐसा किडनैपिंग का केस फ्रेम करेंगे ना कि वो और उसका खानदान जिंदगी भर याद रखेगा। नहीं नहीं सूर्यकांत, मुझे कोई किडनैपिंग का चार्ज वगैरह नहीं लगवाना है। कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बस उस लड़के की जिंदगी बर्बाद होनी चाहिए, यही देखना चाहता हूं। ठीक, समझ गया मैं। रघुवीर जी, गुड्डी और आलोक की सगाई को 3 महीने हो गए हैं, और हम लोग भी चाहते थे कि हमारी बहू जल्द से जल्द हमारे घर पे आ जाए, और आपकी अगर रजामंदी हो और आप अगर कहें तो पंडित जी से एक बार बात करके एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते, शादी की तारीख तय कर लेते। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तारीख वारीख बाद में देखना, पहले ये बताओ कि तुम्हारा बेटा गुड्डू कहाँ है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्या हुआ, क्या बात है? हमें पता चला कि तुमने और तुम्हारे बेटे गुड्डू ने दोनों ने मिलकर सज्जना को किडनैप किया है। इंस्पेक्टर साहब, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई, हमने किसी को किडनैप नहीं किया, गुड्डू भी घर पे नहीं है। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तुमको, तब पता चलेगा। तो तुम लोग को अलग से बोलना पड़ेगा क्या? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे रुको रुको, अरे देखिए हम लोग सज्जन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? सज्जन लोग हैं, ले चलो इसे पुलिस स्टेशन, इसकी सज्जनगिरी निकालते हैं। चलो सर, 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 हमने कुछ नहीं किया है, हमें से किसी ने कुछ नहीं किया है। तू बीच में मत पड़, ज्यादा चू चपाड़ की ना तो तेरा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, समझे? चल जा।
चल चले रे। अरे सर सुनिए तो, अरे मैंने क्या किया? अरे सर सर बचा तेरा, बटन किधर है? बोल, सच में नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता तेरे को, बोलेगा तू बोलेगा। चले उस वक्त तक मार जब तक ये बता नहीं देता कि संजय और गुड्डू का है। मार उसको साले को। सब सुनो सब। नहीं गुड्डू, फोन मत ऑन करना प्लीज, हम पकड़े जाएंगे गुड्डू, प्लीज प्लीज। संजना संजना प्लीज, बहुत दिन हो चुके हैं मैंने पापा और दीदी से बात नहीं की है, प्लीज संजना मुझे उनसे बात करनी होगी। दीदी के इतने सारे मिस कॉल्स हैं। हेलो दीदी। हाँ मैं आ रहा हूँ दीदी, मैं अभी आ रहा हूँ। सुनो, इस लड़के से पूछताछ करो, इसको सब मालूम होगा। सर, सर हम हमारे पापा, इन्हें ले जाओ इनके पापा के पास। मैडम आप नहीं जाएंगे, जाइए। पापा, क्या हालत बना दी आपकी? पापा, I'm so sorry, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो पापा, पापा I'm sorry, please। बहुत चर्बी चढ़ी है ना तुझे, लड़कियां भगाने का शौक है ना? हाँ सब उसे छोड़ दो। बोल ए, इसके बाप को बाहर लेके जा, ले जा, लेके जा उसको। अरे भगाएगा लड़कियां, भगाएगा लड़की, भगाएगा नहीं सर, तेरी आशिकी उतार देंगे हम, नपुंसक बना देंगे हम तुझे। हे इसके पैर खोलो रे, खोल इसका पैर, कर गुड्डू और संजना की आखिर क्या गलती थी? बस इतनी सी कि उन्हें डर था कि उनके परिवार वाले उनकी शादी को स्वीकार नहीं करेंगे। दोनों बालिग थे, दोनों समझदार थे और एक दूसरे का साथ पाने के लिए वो दोनों घर से भाग गए। गुड्डू के इस नए रिश्ते ने उसके सारे रिश्तों, उसके पिता और उसकी बहन की जिंदगी तक बर्बाद कर दी। तेरी वजह से मैं अपनी बीवी को मां बनने का सुख नहीं दे पाया। वो अपने गुस्से में अपने दर्द को बयां करती थी लेकिन मैं कुछ नहीं कह पाया। देखो वो सब बातों को तो जमाना गुजर चुका, अब उसको याद करके क्या क्या फायदा? बीत चुकी है, तेरे लिए बीत चुकी है, मेरे लिए नहीं। जो तूने हमारे साथ किया है ना, वो हम बातें रोज महसूस करते हैं। शादी को थी इनको अपाहिज बना दिया, ये ना जी सकते न मर सकते। तूने पुलिस ऑफिसर बनने का फायदा उठाया, जो सरकार ये वर्दी देती है ना हमारी रक्षा करने की, उसका गलत फायदा उठाया। और मेरी बहन, मेरी बहन, मेरी बहन ने तेरी वजह से उसको निकालो बाहर, लाओ दरवाजे पे साले के। जिंदा है, मरा नहीं है अभी वो, इतनी सांसें हम छोड़े हैं कि कुछ दिन जिंदा रह सके। अरे सुनो,
इज्जतदारों की अच्छी तरह से खातिरदारी करो। शादी और तुमसे, तुम लोगों के जो लक्षण है ना, तुमसे शादी कौन करेगा? तुम्हारे बाप भाई लड़के किडनैप करते हैं और लोग तो बोलते हैं वो बेचते भी हैं। हालों के अंदर आ, अंदर आके बात करते हैं। मैं इस घर में अंदर कदम नहीं रखूंगा, सब झूठ है, हालों का अफवाह है। यार तुम बोलोगी ना और तुम लोगों को पता नहीं, लेकिन मुझे इस समाज में रहना है, तो ये शादी तो कैंसिल। प्लीज आलोक, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज गुड्डू की जेल में पापा मर जाएंगे। तो मर जाने दो, पर मुझे माफ करो और चलो। हमारे परिवार को किसकी नजर लगे जो ये सब हो गया। सोचा था तुम्हारे हाथ पीले करके हम इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, पर आलोक ने तुमसे रिश्ता तोड़ने के बाद हम ये सुख भी नहीं देख पा। समाज हमारे परिवार पर कीचड़ उछाल रहा, हमारी बदनामी कर रहा है। पता नहीं अब तुम्हारा हाथ कौन थामेगा, यही चिंता हमें सताई जा रही। बेटा अगर हमें कुछ हो जाए तो अपने गुड्डू का ख्याल रख। ऐसा कुछ नहीं होगा पापा, हाँ सब अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे। हम आते हैं। रोना नहीं पापा के सामने, समझ रहे? बिल्कुल रोना। गुड्डू बेटा, पापा आपको दीदी को क्या क्या झेलना पड़ा, मैं भी सॉरी, मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो पापा, सॉरी, मुझे माफ कर दो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मुझे माफ कर दो दीदी, रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी। देखो गुड्डू, जो होना था हो गया, ठीक है, अब पापा का ख्याल रखो। हम मिलकर रखेंगे। तुम पापा के पास बैठो, मैं थक गई हूँ, थोड़ा सोना चाहती हूँ। तुम लोगों को पता नहीं, लेकिन मुझे इस समाज में रहना है, तो ये शादी तो कैंसिल।
पता नहीं अब तुम्हारा हाथ कौन थामने का, यही चिंता में सताई जा रही। दीदी इन हाथों से हमेशा हमारी रक्षा करना। हम आपकी रक्षा नहीं कर पाए। हमें अपने पापों की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन गुड्डू हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दे दो। तुम्हारे पापा के पैर पकड़ के माफी मांगना चाहते हैं। मैं भी यही चाहता हूं। हाथों में बहुत जान है, तुम जैसे लोगों का पैर पड़ूंगा मैं, मार सकता हूं तुझे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।